हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिलीप। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खोडिया रोटो। अब डालेंगे रोटर फिल्टर का ऑयल सील। वो नहीं डालेंगे तो ऑयल सही तरीके से अंदर सर्कुलेट करेगा नहीं, बाहर आएगा। ऑयल बाहर आएगा तो क्रैंक जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं। अब लगा देते हैं रोटर फिल्टर के पैकिंग को, फिर उसके ऊपर लगाएंगे रोटर फिल्टर कैप। कैप अच्छी तरह से फिट करके चारों नट को लगाएंगे। नट को अच्छी तरह से लगा के टाइट कर ले, फिर ये लगा, फिर करेंगे टाइट। लॉक कर लेंगे तो वाटर फिल्टर घूमेगा नहीं। फिर ये इनफेक्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से चारों नट को कर देंगे टाइट। टाइट करके मिलते हैं आगे आपसे। यह है उषा कंपनी का, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब करेंगे हेड की फिटिंग जो हम बोर करवा के लाए हैं। अब इस साइड हम सबसे पहले एक लॉक लगा देंगे। अब चेक करते हैं इसकी पिस्टन रिंगे। तो सबसे पहले जो दो छोटी छोटी वाली आती है वो चेक करेंगे ऐसे पिस्टन डाल के। इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं आनी चाहिए। आप गैप देख लीजिए, इसमें कितनी गैप आ रही है यहाँ पे देखिए। देखिए ये रही थोड़ी सी गैप, बस इतनी सी गैप आनी चाहिए। ऐसे ही हम और एक अब ये भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए बहुत मायने सी गैप है, ये तो शायद आपको दिखाई भी नहीं देगी। ये रही देखो, ये रही रिंगे जो एक्सपेंडर रिंगे। अब इसको आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, एम बना सकते हैं, डब्ल्यू बना सकते हैं। आप इसको एक्सपेंडर रिंग को ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए और ये जो है ना कट वाला वो यहाँ ऊपर रखने का इनके साइड ऐसे। अब लगाते हैं ऑयल रिंगे, वो दोनों आमने सामने रखेंगे। ऐसे और एक कब इसके सामने बिल्कुल रखेंगे एक। ऐसे और अब लगाएंगे ये टॉप वन है और ये टॉप टू है। ये टॉप टू लगाएंगे अब तो ये दोनों इस सामने आ गई, ऐसे सामने सामने आ गई। अब इन दोनों को ऐसे सामने सामने लगाएंगे और जो ये टॉप टू लिखा है वो सबसे ऊपर रहेगा, जो लिखा हुआ है वो ऊपर की साइड रखने का है।
अब जो टॉप वन है उसको उसके सामने रखेंगे। ऐसे देखो, ये यहाँ पे है इसका कट, इसका कट बिल्कुल इसके सामने लाएंगे ऐसे। अब लगा लेते हैं पिस्टन को। अब सबसे पहले इसके ऊपर एक कपड़ा लगा दीजिए ताकि जो लॉक है वो अंदर ना गिर जाए। ये इन है वो ऊपर की साइड रहेगा। इसको गजन पिन बोलते हैं। इसको भी हम थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेंगे। कचन पिन को आप बताए गए तरीके से लगा लीजिए पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के बिल्कुल सामने लाके। अब लगा लेते इसका लॉक। ये लग गया लॉक। अब निकाल लेते इस कपड़े को। अब लगाते हैं पैकिंग। लगाने से पहले हल्की हल्की एना बोल्ट लगा लेंगे ताकि लीकेज की कोई समस्या ना रहे। पैकिंग डालने से पहले दोनों पिंडा वाले आप चेक कर लीजिए, वरना ब्लॉक बैठेगा नहीं सही तरीके से। फिर आराम आराम से पैकिंग को पिस्टन के अंदर से आप आराम आराम से लगा दीजिए। फिर एक ये ओरिंग लगा दीजिए जो ऑयल हेड में से रिटर्न आता है उस जगह पे, ताकि ऑयल लीकेज की समस्या ना रहे। अब पिस्टन को थोड़ा हम मोबिल लगा लेते हैं, वो भी एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट का, जो सबसे बेस्ट रहता है पिस्टन के लिए और इंजन के लिए भी। अब पिस्टन को हम होल्ड कर लेंगे। ये देसी जुगाड़ है हमारा, वो बनाया हुआ खुद का टूल्स जो पिस्टन होल्ड करने के लिए काम आता है। जब आप ब्लॉक लगाएंगे तो पिस्टन अंदर नहीं जाएगा, वो वहीं पे ही रुका रहेगा। आराम आराम से आप ब्लॉक को अंदर बिठाइए और पिस्टन रिंगे बहुत आराम आराम से अंदर लगाइए, कहीं टूट बूट ना जाए। आराम आराम से लगाई, ये लग गया ब्लॉक पिस्टन में। अच्छे से फिट करके फिर लगा देंगे उस साइड एलिंग की बोल्ट, और एलिंग की से हल्का टाइट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करना है। टाइट ऊपर लग जाएगा हमारा हेड, तब हम टाइट करेंगे अच्छे से। अब थोड़ा हम घुमा लेंगे पिस्टन को ताकि अच्छे से अंदर ऑयल लीव हो जाए, और घुमा लेना ज़रूरी है। पिस्टन टॉप पे ला के उसके ऊपर हम डाल देंगे गैस्केट हल्की हल्की एना बोल्ट लगा के, और दोनों पिंडा वाले आप लगाना मत भूलिए।
अब हीरो की जेन्यून टाइमिंग चेन डाल देंगे और उसको एक वायर की मदद से हम बांध लेंगे ताकि जब हेड लगाए तब आसानी से ऊपर आ जाए। और लगा देंगे उसकी टाइमिंग चेन की जो गरारी आती है ब्लॉक में वो लगा देंगे और उसका 10 नंबर का बोल्ट लगा देंगे अंदर। अब लगाते हैं हेड, आराम आराम से हेड को लगाइए। हेड कैसे ग्राइंडिंग करते हैं वो भी वीडियो बनाया हुआ है, आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए कि हेड को कैसे ग्राइंड किया जाता है। अब चैन को होल्ड करने के लिए इस साइड से 10 नंबर का बोल्ट डाल देंगे ताकि चैन अंदर ना घुस जाए। वैसे भी हमने वायर तो बांधा हुआ ही है, अच्छे से बिठा लेंगे हेड को। हेड ब्लॉक के बीच में लगते हैं दूसरा एलंकी बोल्ट, वो भी लगा दीजिए आप। अब लगा देंगे पैकिंग हल्की हल्की एना बोल्ट लगा के, फिर लगाएंगे उसकी कैप हेड की, वो भी एक जो साइड लिखा हुआ होता है वो नीचे की साइड रहेगा। ये पीतल के वॉशर को हम लगाएंगे जिस साइड, जिस स्टड में से ऑयल चढ़ता है उसी साइड में लगाएंगे, बाकी सब अलग अलग चल जाएंगे। अब टाइट कर लेते हैं स्टड के चारे चार बोल्ट को, अच्छी तरीके से टाइट करके वो एलंकी की बोल्ट भी टाइट कर देना है। उसके बाद पिस्टन को टॉप पे लाना है, वो कैसे लाएंगे? अब मिलाते हैं टाइमिंग, पिस्टन को ले आएंगे टॉप पे। ये है पिस्टन, आप इस साइड से भी देख सकते हैं, उस साइड मैग्नेट भी लगा सकते हैं, तो जैसे आप चाहो वैसे आप टाइमिंग मिला सकते हो, पिस्टन टॉप पे ला सकते हो। एम प्लग की साइड से देखेंगे, ये पिस्टन दिख रहा है आपको, देखिए अभी बिल्कुल टॉप पे है, ये अंदर गए, ये आ गया टॉप पे, ये टॉप पे है पिस्टन अभी। अब लगाते हैं टाइमिंग चेन स्पॉकेट को, आप जब भी इंजन बनाए तो टाइमिंग चेन स्पॉकेट नया ही डाले। ये हमारा कम्प्लीटली टाइमिंग हो गया। 8 नंबर के बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। इनको अच्छे से कस लीजिए आप। अब इस बोल्ट को भी कस लेते हैं क्योंकि ये मैंने लूज छोड़ा था। लगा देते हैं ऑयल सील, अब लगाएंगे मैग्नेट ओरिंग। ओरिंग को हम लगाएंगे थोड़ी एना बोन ट्यूब लगा के ताकि लीकेज होने की कोई संभावना ना रहे। दोनों ओरिंगे जरूर लगा ले ताकि लीकेज ना हो। मैग्नेट सील भी लग गया, मैग्नेट ओरिंग भी लग गई। अब लगाते हैं मैग्नेट डिस्क को, आराम आराम से लगाए ताकि मैग्नेट ओरिंग कट ना जाए। और ये हो गया फिट आराम से। अब लगाते हैं दोनों मैग्नेट के दो मैग्नेट स्क्रू। इंपैक्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से और हम थोड़ा ज़्यादा टाइट कर लेते हैं। ये हो गया टाइट। जब भी आप इंजन बनाओ तो ये कट रबड़
जरूर लगाए न्यू, पुराना मत लगाए वरना यहाँ से आपका ऑयल लीकेज होगा। चलो इसको लगा के मिलते हैं। देते हैं ये गियर शाफ्ट के ऑयल सील को थोड़ा लुब्रिकेंट करके। आराम आराम से ही लगाए ताकि अंदर जो ऑयल सील के अंदर ओरिंग आती है वो बाहर ना निकल जाए। और आप प्लग के पाने से हम इसको आराम आराम से ठोक देंगे ताकि अंदर चला जाए और ऑयल लीकेज की समस्या ना हो और ऑयल सील भी टूटे नहीं। ये हो गया। अब फिट करते हैं सेल्फ की मोटर को। आराम आराम से लगाए, अंदर जो ओरिंग लगी हुई है वो कटे नहीं। ये इसके 3 बोल्ट 8 नंबर के। इसको टाइट करके मिलते हैं आपको। अब लगाते हैं सेल्फ की गरारी को और ये दोनों गाइड है। फिट हो गई सेल्फ की गरारी। अच्छे से चेक कर ले कहीं चैन बैन फंसी हुई नहीं है। दोनों गाइड भी आप वापस से चेक कर ले। अब इस गरारी की लॉक पत्ती लगा देते हैं। और इस लॉक को लॉक प्लस की मदद से आप लॉक को लगा दीजिए। ये लग गया लॉक। और नहीं, अब लगाते हैं मैग्नेट। इस सेल्फ के सारे आप जरूर चेक कर लीजिए कहीं गिर नहीं गए ना, और वर्किंग भी कर रहे हैं ना सही तरीके से। चलो फिट करते हैं मैग्नेट को। मैग्नेट फिट हो गया। अब फिट करते हैं मैग्नेट कवर को। बस आज तक का वीडियो इसी तक है। थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप।